बालोतरा और मारवाड़ मालानी के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 27 सितंबर को धनखड़ बालोतरा के ब्रह्मधाम आसोतरा में दर्शन करेंगे। ब्रह्मधाम गदाधिपति संत तुलसाराम महाराज जी का आशीर्वाद भी लेंगे उपराष्ट्रपति। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र द्वारा का शिलान्यास करेंगे। बूढ़ा मलानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, ब्रह्मधाम के दर्शन कर उपराष्ट्रपति धनखड़ जोधपुर के लिए रवाना होंगे और बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने इस बात की जानकारी दी। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उपराष्ट्रपति विश्व के दूसरे सबसे बड़े ब्रह्म मंदिर आसोतरा के दर्शन करेंगे। साथ ही गदाधिपति संत तुलसाराम महाराज का आशीर्वाद भी लेंगे। इसे लेकर के प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा उनके द्वारा। गुड़ा मालानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ब्रह्मधाम में दर्शन कर उपराष्ट्रपति धनखड़ जोधपुर के लिए रवाना होंगे। बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने इस बात की जानकारी दी है। तो आपको बता रहे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर होंगे। बालोतरा मारवाड़ मालानी पहुंचेंगे। 27 सितंबर को धनखड़ ब्रह्मधाम में दर्शन करेंगे और गदाधिपति संत का आशीर्वाद लेंगे और उनके ये दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बूढ़ा मालानी के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके बाद जोधपुर के लिए रवाना होंगे। 27 सितंबर को दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ब्रह्मधाम गदाधिपति संत तुलसाराम महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी काराराम माली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्या कुछ तैयारी उपराष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी? बिल्कुल सालिनी, बताना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार मारवाड़ मालानी के दौरे पर रहने वाले हैं और धनखड़ 27 सितंबर को यहाँ पहुंचेंगे। इससे पहले वो घोड़ा मालानी में जो देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र का जो शिलान्यास करेंगे, उसके बाद ये ब्रह्मधाम आसोतरा पहुंचेंगे, जहाँ जो विश्व का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है वहाँ वो भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे और वहाँ के गादीपति संत तुलसाराम जी महाराज का भी आशीर्वाद लेंगे। जी थानाराम, इसके बाद क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उपराष्ट्रपति का? इसके बाद आगे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, अभी जो प्रशासनिक तौर पे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ गुड़ावालानी के बाद यहाँ ब्रह्मधाम आसोतरा में दर्शन के बाद वो सीधा जोधपुर जाएंगे और जोधपुर के आगे का कार्यक्रम अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया नहीं, लेकिन अभी पचपदरा ये जो बालोतरा जिले से आसोतरा में दर्शन करने के बाद वो सीधा जोधपुर जाएंगे। जी थानाराम, क्या कुछ विशेष तैयारियां सिक्योरिटी को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, बता दूं कि उपराष्ट्रपति का दौरा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक इंतजाम तो होने ही है। उसको लेकर अब जिला स्तर की जो अधिकारी है उस तैयारियों में जुट चुके हैं और देखा जाए तो ये मारवाड़ मालानी का जो पहला दौरा है तो राष्ट्रपति का दौरा भी, उपराष्ट्रपति का दौरा भी अहम है, इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियों में जुट चुके हैं। जी थानाराम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता थानाराम, जिन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर के अहम तैयारियां की जा रही हैं। उनका दौरे को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। बूढ़ा मालानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें भाग लेंगे। ब्रह्मधाम के दर्शन करेंगे और गदाधिपति का आशीर्वाद भी लेंगे। 27 सितंबर को आसोतरा पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए उपराष्ट्रपति, जिसे लेकर के तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन के द्वारा। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा उनके द्वारा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उपराष्ट्रपति इसमें भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उससे पहले आसोतरा में ब्रह्मधाम के दर्शन करेंगे, गदाधिपति का आशीर्वाद लेंगे और इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसे लेकर के प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अपडेट दे रहे थे हम आपको उपराष्ट्रपति के दौरे से जुड़ा। 27 सितंबर को उनका दौरा है। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे, उससे पहले दर्शन करेंगे